शनिवार की रात को कन्हान पुलिस स्टेशन अंतर्गत 5 किलोमीटर दूरी वराड़ा परिसर के बंद टोल नाके पर टोल नाका सुपरवाइजर 46 वर्षीय दिलीप श्यामराव जी बावने को पेट्रोलिंग करते समय वराड़ा परिसर में बंद टोल नाका NH44 हाईवे रोड पर लगाए हुए लोहे की 4 रेलिंग चोरी होने की बात समझ आई। उन्होंने तुरंत कन्हान पुलिस की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी। शनिवार 11 जून करीब शाम 6 बजे से रविवार 12 जून करीब सुबह 10 बजे तक कन्हान पुलिस स्टेशन अंतर्गत 5 किलोमीटर दूरी वराड़ा परिसर के बंद टोल नाके पर टोल नाका सुपरवाइजर 46 वर्षीय दिलीप श्यामराव जी बावने ये पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी उन्हें वराड़ा परिसर में बंद टोल नाका NH44 हाईवे रोड पर लगाए हुए लोहे की 4 रेलिंग नहीं दिखी। ये एक रेलिंग की कीमत 4,800 है, मतलब कुल मिलाकर 19,200 रुपये का माल चोरी हुआ था। इस चोरी में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शिवनंदन नवरंग सिंह, कन्हैया काशीराम धुर्वे, सोहेल अब्दुल खान, शिवचरण रविकिरण शाहू, रविकिरण दुर्गा प्रसाद शाह, ये आरोपियों के नाम है। आरोपी के पास से 2 वाहन और बाकी चोरी का माल जब्त किया गया है। इस प्रकरण में फिरियादी दिलीप श्यामराव जी बावने की शिकायत के आधार पर कन्हान पुलिस स्टेशन में इन 5 आरोपियों के खिलाफ गुनाह दाखिल किया गया है। आगे की जांच पुलिस निरीक्षक विलास काले इनके मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक फुलझेले सहित सहायक फौजदार गणेश पाल कर रहे हैं।